हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट वन वी कवर्ड। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू पार्ट टू ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अपनी एनसीईआरटी साथ खोल लीजिए ताकि आप लैग बिहाइंड ना करें, एंड वील अंडरस्टैंड दैट हाउ द फर्दर स्टेप्स अकर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रोपोनिन के हटने के बाद एक्टिन की साइट मायोसिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा एटीपी है जो वो हाइड्रोलाइज होता है, सो एटीपी ब्रेकडाउन हैपेंस, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि जब वो बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बना लेता है और आगे स्लाइड कर जाता है, देन हाउ डज इट मूव फर्दर, क्योंकि आगे जाने के लिए उसको पहले डिटैच होना पड़ेगा, तो वो आगे स्लाइड करेगा एंड देन इट विल अगेन फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो चलिए आइए रीड करते हैं हाउ डज दैट हैपन। So the myosin releasing the ADP and phosphate goes back to its relaxed state. तो remember कि यहाँ पे myosin का head था, ठीक है, यहाँ पे ATP binding site थी, यहाँ पे ATP hydrolysis हुआ था जिसमें ADP और phosphate release हुआ था। तो अब वो बोल रहे हैं कि ADP and phosphate will go back to its relaxed state. Relaxed state means they'll combine together and the new ATP binds. तो वो निकल गए अपना आगे काम करने, ठीक है, और अब एक नया ATP आके उसको बाइंड करता है, और जैसे ही नया ATP आएगा, पुराने ATP तो हाइड्रोलाइज हो गया, वो तो ADP और फॉस्फेट में टूट चुका और वो अपने आगे निकल लिए, लेकिन अब एक नया ATP आएगा और उसको बाइंड करेगा। तो जैसे ही ATP आके अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है, वो जो क्रॉस ब्रिज बनी थी मायोसिन के बीच में और एक्टिन के बीच में, वो टूट जाएगी ATP के आते ही, ठीक है जी। सो द ATP नाउ इज अगेन हाइड्रोलाइज। ATP का तो वही साइकिल स्टार्ट होता रहेगा, ATP फिर से हाइड्रोलाइज होएगा, ठीक है, बाय द मायोसिन हेड, एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। क्योंकि जैसे ही नया ATP टूटेगा, वो क्रॉस ब्रिज दोबारा बन जाएगी, ठीक है, फिर वो ADP फॉस्फेट निकल गए, फिर जैसे ही नया ATP आया, वो क्रॉस ब्रिज दोबारा टूट गई, और ऐसे ही करते करते आगे आगे स्लाइडिंग चलती रहेगी। दैट इज हाउ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विल happen. The process will continue. Process कब तक चलेगा? जब तक calcium ions are not pumped back into the sarcoplasmic reticulum. ठीक है, जब तक वो endoplasmic reticulum के अंदर वापस नहीं चले जाएगा, उसके cisterna के अंदर दोबारा fill नहीं हो जाएगा, तब तक वो actin filaments की masking चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही calcium वापस चला जाता है, वो masking वापस ढक देती है troponin उस साइट को, एंड मसल गोज इंटू रिलैक्स स्टेट, मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट खत्म हो जाती है। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स ऑल्सो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो जेड लाइन थी जो हमारा सार्कोमियर था जो हमारा, वो सब वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाते हैं, एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। सो द रिएक्शन टाइम हर मसल में वेरी करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है, जैसे जैसे मसल्स एक्टिवेट होते रहते हैं, दे कैन लीड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट। अब हम बार बार मसल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम बार बार उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, कैल्शियम रिलीज हो रहा है, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर रहा है, फिर वो एक्टिन वाली मायोसिन के साथ जुड़ रही है, एटीपी हाइड्रोलिसिस से क्रॉस ब्रिज बन रही है, ये सब जब बहुत रिपीटेडली होता रहता है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड शुरू हो जाता है ड्यू टू एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि कंटिन्यूसली मसल अगर मूव कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च कर रहा है, और एक टाइम आता है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, तो वहीं पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। By our past knowledge, हम ये बात जानते हैं कि जब anaerobic respiration होती है, it releases lactic acid. तो धीरे-धीरे वो lactic acid muscles में ही जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? And this is due to the anaerobic breakdown of glucose or glycogen, ठीक है? या तो because glucose भी कौन से form में store हो जाता है? Glycogen के form में। अब जब ऐसा होता है कि lactic acid muscles के अंदर store होने लग जाती है, तो वही वो cause करती है muscles का fatigue, कि muscles बिल्कुल खत्म होने लगते हैं, okay? Next. मसल कंटेन्स अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो मसल के अंदर एक पिगमेंट होता है, मसल कंटेन्स अ पिगमेंट जो रेड कलर्ड का है, जिसके अंदर होता है ऑक्सीजन, और उस पिगमेंट को हम कहते हैं मायोग्लोबिन। तो बेसिकली जब मसल बार बार ऑक्सीजन यूज कर रहा है, तो वो इसी पिगमेंट से लेके यूज कर रहा है, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स में ये मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ऐसे मसल्स को हम रेडिश अपेरेंस
की तरह से देखते हैं कि वो मसल्स रेड अपीयर करते हैं. सच मसल्स आर कॉल्ड एज रेड मसल्स और रेड फाइबर्स. ऐसे मसल्स को हम रेड मसल्स के नाम से जानते हैं. वेयर एज दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इन रेड मसल्स के अंदर खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. वो अंदर सारा ऑक्सीजन जितना है वो यूज कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, एटीपी प्रोडक्शन लिखा हुआ है, वही रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, बट इट्स जस्ट हैपनिंग इन द मसल सेल. ठीक है, दीज मसल्स देयरफॉर कैन बी कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स. तो जो ये रेड कलर के मसल्स होते हैं जिसमें मायोग्लोबिन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और फटाफट एरोबिक ब्रेकडाउन करता है. ठीक है जी, तो ऐसे मसल्स को हम एरोबिक मसल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, राइट. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन और उनको हम वाइट फाइबर्स के नाम से जानते हैं, प्लस वो दिखते भी पेल या वाइटिश है. ठीक है, अब कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उन्हें हम वाइट फाइबर्स या वाइट मसल्स के नाम से फेमस है. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम. अब उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कमी है क्योंकि इतना ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई. तो ये आपको याद रखना होगा कि जो उनका ER है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, वाइट मसल्स हैव मोर ER. ओके जी, दे डिपेंड ऑन एनरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी और वो एनरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं. सी दिस इज़ दी लाइन्स, दिस इज़ दी फेस. जब रिलैक्स स्टेट में होता है ये अपनी ओरिजिनल लेंथ रिटेन करता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ये जेड लाइन इस तरीके से छोटी हो जाती है. ठीक है, और जब मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो थोड़ा और आगे स्लाइड कर जाता है, तो ये टू सार्कोमियर्स इकट्ठे एक लेंथ में आ जाते हैं. ठीक है जी, दैट इज़ हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस. दैट्स अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय वी हैव फिनिश्ड द नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. थैंक यू सो मच.